नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक रिजल्ट की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए, यस बैंक के रिजल्ट कल आए हुए हैं, तो उसकी एनालिसिस हम करते हैं कि यस बैंक का रिजल्ट कैसा रहा, उस पर हमें कैसे ट्रेड लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस रिजल्ट का, और हमें किस तरह की पोजिशन यहाँ पर बनानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने लगा हुआ बेल नोटिफिकेशन का बटन भी क्लिक कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहां पे मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं लाइव रहूंगा 9:30 बजे रात को यूट्यूब पे। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे 9:30 बजे रात को मैं लाइव रहूंगा, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। उसका टॉपिक मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज रात 9:30 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर लाइव आइए और आपके जो क्वेश्चन है वो मुझसे आप वहां आके पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए, यस बैंक चार्ट पे हम पहले बाद में आते हैं, पहले हम रिजल्ट पे चलते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा और उस रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये है यस बैंक का रिजल्ट। अब देखिए, यस बैंक के रिजल्ट में खासियत आज की क्या है, यस बैंक के रिजल्ट में क्या लोग उम्मीद कर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यस बैंक जो Q4 का नेट प्रॉफिट था, वो मोतीलाल ओसवाल ने एस्टिमेट किया था, यानी अंदाजा लगाया था कि प्रॉफिट जो उनका आना चाहिए वो 17% घट के, यानी ईयर ऑन ईयर, यानी इसी क्वार्टर में, यानी चौथे क्वार्टर में 2018 के जो रिजल्ट आए थे उससे 17% घट के 970 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था। अब उन्होंने जो एस्टिमेट किया था NIM जो होगी वो 28% ईयर ऑन ईयर, देखिए 28% इंक्रीज होगी। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ईयर ऑन ईयर NIA बढ़ेगी, ये अंदाजा लगाया था, और 3.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होगा, बढ़ेगी। और ये NIA आना चाहिए था कितना, 2761 करोड़ का, ये एस्टिमेट किया हुआ उन्होंने। और जो कोटक ने एस्टिमेट किया था कि जो प्रॉफिट आना चाहिए वो 27% डिप के साथ में 853 करोड़ का आना चाहिए था। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए जो यस बैंक ने पोस्ट किया है, NII पोस्ट किया है, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम जो पोस्ट की है वो पोस्ट की है 2505 करोड़ की, लगभग 2506 करोड़ की उन्होंने NII पोस्ट की है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर यानी 2018 की चौथी तिमाही में जो था 2154 करोड़ का था, और तीसरी तिमाही में यानी 2019 की, यानी क्वार्टर थ्री की तीसरी तिमाही में था वो 2666 करोड़ का था। यानी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 16% कम हुआ है। NII जो उम्मीद लगा के बैठे तो लोग की 28% बढ़ेगा, वो यहाँ पे क्या हुआ है, 16% कम हुआ है। यानी जो मार्केट सोच रहा था, जो मार्केट का एस्टिमेट था, मार्केट जो एनालिस्ट अंदाजा लगा रहे थे उससे कम आया है, वो लोग बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आया है वो कम आया है। अब देखिए, नॉन इंटरेस्ट इनकम जो आई है वो देखिए कितनी आई है, 531 करोड़ के लमसम भी यहाँ पे आई हुई है। जो क्वार्टर देखिए, चौथा क्वार्टर था 2018 का, वहाँ पे आई थी कितनी, 1421 करोड़, यानी यहाँ पे 62% का डिप है, यानी 62% का डिप है। मार्केट अंदाजा लगा रहा था ये डिप तो आएगा लेकिन इतना नहीं, थोड़ा सा डिप आएगा, यह तो माइनस में 62% का डिप है, ध्यान रखिएगा -62% का डिप है। और जो Q3 था जो लास्ट क्वार्टर में आया था वो 891 करोड़ के लमसम में आया था, तो यहाँ से भी ये देखा जाए तो ऑलरेडी डिप है और ईयर ऑन ईयर भी डिप है। इनकी हुई है टोटल नेट इनकम जो हुई है वो 3037 करोड़ की हुई है, 2018 यानी चौथी तिमाही में जो आया था, ये 2019 की चौथी तिमाही में आया है 3037 करोड़ का, 2018 की चौथी तिमाही में जो आया था वो 3575 करोड़ का आया था। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 15% का डिप मिला है ईयर ऑन ईयर, यानी ये जो है कॉलम वो ईयर ऑन ईयर का है, तो ईयर ऑन ईयर 15% का डिप मिला है। अब क्वार्टर एंड क्वार्टर देखा जाए तो यहाँ भी 14% माइनस में है, यानी जो पिछले क्वार्टर में आया था, यानी लास्ट तिमाही का जो क्वार्टर आया था उसमें आया था 3557 करोड़ का, इस बार आया है 3037 करोड़ का। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए कितना आया है, 1323 करोड़, जबकि 2018 की चौथी तिमाही जो थी वो 2135 करोड़ की थी, यानी 38% का डिप यहाँ पे मिला है, और 1990 करोड़ थी लास्ट तिमाही में, तो यहाँ पे 33% का यानी बड़ा डिप यहाँ पे मिला है, बड़ा कट यहाँ पे मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। अब जो प्रोविजनिंग हुई है वो 3661 करोड़ की, यानी बड़ी प्रोविजनिंग हुई है यस बैंक में, यानी बड़े जो लोन है वो शायद डिफॉल्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने उसकी प्रोविजनिंग की है, 3661 करोड़ की प्रोविजनिंग की है। जो 2018 की चौथी तिमाही थी उसमें उन्होंने 399 करोड़, यानी ऑलमोस्ट लगभग 400 करोड़ का था, तो यहाँ पे इन्होंने 816% का यहाँ पे
ज्यादा प्रोविजनिंग की है। अब क्वार्टर एंड क्वार्टर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में जो 550 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, इस बार 3661 करोड़ की प्रोविजनिंग है, यानी 565% का यहाँ भी उछाल आया है प्रोविजनिंग में, यानी इनकी प्रोविजनिंग काफी बढ़ गई है। तो इसके लिए क्या हो गया है, ये प्रॉफिट कम हो गया है। देखिए पिछली बार प्रोविजनिंग थी 399 करोड़ की, यानी लगभग 400 करोड़ की, तो इनका जो प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट आया था, वो 1180 करोड़ के लमसम में आया था। इस बार प्रोविजनिंग ही ज्यादा हो गई है तो प्रॉफिट तो घटना ही वाला है। ये प्रॉफिट पूरा गया प्लस 1500 की इन्होंने प्रोविजनिंग किया, तो ये प्रॉफिट इसके लिए कम हो गया क्योंकि इन्होंने प्रोविजनिंग इस बार ज्यादा की है। यानी इनके बेड लोन ऐसे लोन हैं जो शायद डिफॉल्ट हो सकते हैं या जो उनको मिल नहीं सकते हैं, उन्होंने उनको प्रोविजनिंग में डाल दिया है। प्रोविजनिंग यानी बेड लोन हो जाता है वो, जो प्रोविजनिंग हुई है वो ज्यादा हुई है। अब देखिए जो प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट जो था वो कितना था, इस बार कितना आया है, -1506 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, कंपनी ने 1506 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है, जबकि इसी तिमाही में 2018 का जो चौथी तिमाही थी उसमें 1180 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Q3 यानी जो लास्ट तिमाही आई थी उसमें 1001 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे हमें 1506 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है कंपनी ने। तो ये कंपनी की हिस्ट्री में शायद 14 से 15वां ऐसा क्वार्टर है जहां पे कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। ध्यान रखिएगा इसकी मार शायद ट्यूजडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो यस बैंक के स्टॉक्स पे बहुत बड़ी पड़ सकती है। जो इस्टीमेट था, इस्टीमेट से काफ़ी नीचे आया है प्रॉफिट। इस्टीमेट था 970 करोड़ का और 853 करोड़ का, यहाँ से दूर दूर तक नहीं है। मार्केट जो सोच रहा था उससे काफ़ी खराब रिजल्ट यहाँ पे यस बैंक के आए हैं, तो यस बैंक पे मार पड़नी तो तय है। अब आगे देख लीजिए, जो इनके ज़्यादातर लोन जो प्रोविजनिंग इन्होंने की है उसमें ज़्यादातर जो डिफॉल्ट लोन है वो है एयरलाइन कंपनियों के, और तीसरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो IIFS वाला वो हुआ है उसके अंदर में इन्होंने लगभग 529 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, और जो एयरलाइन कंपनियाँ हैं उसमें इन्होंने 552 करोड़ की प्रोविजनिंग की है। अब ऐसी क्वालिटी भी इनकी ख़राब हो चुकी है। देखिए जो अब यहाँ पे देखिए जो NPA, देखिए NPA जो है वो इनको 3.22% अगेंस्ट 2.10%, यानी जो पिछले बार इनका जो NPA था वो 2.1 था, इस बार जो NPA है वो NPA भी बढ़ गया यानी 3.22 हो गया है। जो यहाँ पे देखिए नेट NPA इंक्रीज हो गया है, पहले जो था इस बार आया हुआ है 1.86% और जो लास्ट था वो था 1.88, तो यानी नेट NPA भी यहाँ पे इनका बढ़ गया है। अब ग्रॉस NPA देखिए, ग्रॉस NPA भी 53% बढ़ गया है। ग्रॉस NPA 7882 करोड़ के 7882 करोड़ आया है ग्रॉस NPA, एंड जो नेट NPA इंक्रीज हो के वो 56% नेट NPA बढ़ गया है और ग्रॉस NPA भी इनका 53% बढ़ गया है। तो मार्केट ये निगेटिव लेगा जो इनका NPA बढ़ गया है। तो रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो यस बैंक के रिजल्ट काफ़ी ख़राब रिजल्ट पोस्ट किए हैं, लेकिन ये है मार्केट को थोड़ी उम्मीद तो थी कि जो, तो दोस्तों ये थी यस बैंक पे रिजल्ट। अब देखिए रिजल्ट, मार्केट को ये उम्मीद तो थी कि प्रोविजनिंग इस बार बढ़ेगी, लेकिन इतनी बढ़ेगी शायद इसका अंदाज़ा मार्केट को नहीं था। तो इसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रिजल्ट यहाँ पे यस बैंक ने पोस्ट किए हैं, 14-15 क्वार्टर के सबसे ख़राब रिजल्ट यस बैंक ने यहाँ पे पोस्ट किए हैं, तो मुझे लगता है, देखिए मेरी एनालिसिस है, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि रिजल्ट है, हम अपनी एनालिसिस करते हैं, दूसरे अपनी एनालिसिस करेंगे, तो मुझे लगता है ये स्टॉक्स मंडे को शायद 220 से 210 की रेंज में ओपन होगा। कहीं ये 220 से 210 की रेंज में स्टॉक्स ओपन हो सकता है और शायद स्टॉक स्लिप होकर 200 के आसपास तक भी आ सकता है। देखिए रिजल्ट काफी खराब है, लेकिन एक चीज आप उम्मीद बना के रखिएगा कि यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। जितना रिजल्ट खराब आना था वो शायद, मेरी उम्मीद है कि वो रिजल्ट खराब आ चुके हैं। शायद अगला क्वार्टर थोड़ा सा एक और वीक क्वार्टर होगा, उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट यस बैंक पोस्ट करेगा कंटिन्यू, क्योंकि जितने भी बेड लोन थे उन्होंने वो प्रोविजनिंग में डाल दिए हैं, तो वो सारे बेड लोन उन्होंने निकाल दिए हैं, तो अब अगली बार से प्रोविजनिंग भी कम होगी और NPA भी उनके कम आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और उस पर इनका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी बढ़ के आएगा क्योंकि उन्होंने प्रोविजनिंग यहां पे हैवी प्रोविजनिंग कर ली है यस बैंक ने। तो इससे उम्मीद देखिए, शायद मार्केट ये भी उम्मीद लगाए कि मार्केट कहीं 200 और 190 के बीच में शायद एक बॉटम बनाते हुए दिखे। अब देखिए ये कल बनता है, परसों बनता है, अगले दिन बनता है, ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि मार्केट शायद ओपन निगेटिव होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट शायद अगले एक दो दिन में इस चीज को ऑब्जर्व कर लेगा और मार्केट यस बैंक कंटिन्यू इसको ऊपर लेके जाना चाहिए। अब यस बैंक में मेरी उम्मीद है कि 200 से
220 से 210 के बीच में ओपनिंग होगी और शायद वो ओपनिंग स्लिप होकर 200 के आसपास तक आ सकती है। अगर ये 200 पे लगता है कि 200 पे एक बॉटम बनता है या एक दो दिन होल्ड कर देता है तो मुझे लगता है कि 200 से 190 के बीच में कहीं ये बॉटम बनाते हुए आपको दिखेगा, उस समय आपको यहाँ पे यस बैंक पे बाइंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए मैं एक क्वार्टर दो क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 3 साल 4 साल की बात कर रहा हूँ। यस बैंक काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगा और उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक 160-147 वाला जो लो लगा है उस लो को ब्रेक करेगा। बीच में कभी भी डिप में मिलता है तो यस बैंक आप कंटिन्यू लेते रहिए, ऐड करते रहिए अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 साल के लिए। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा आपको रिटर्न देके जाएगा यस बैंक। हाँ, अब एक चीज यस बैंक में है कि यस बैंक 250 को इतना जल्दी अब क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर स्टॉक्स ने 230 के नीचे क्लोजिंग दी, ध्यान रखिए शायद ओपनिंग नीचे होके कवर कर ले, लेकिन 230 के नीचे अगर ये स्टॉक्स क्लोजिंग करता है तो फिर ये जो 6-8 महीने की एक रेंज बनी थी उसी रेंज के बीच में फिर से आ जाएगा और फिर इस रेंज को क्रॉस करने में इसको प्रॉब्लम होगी, यस बैंक को फिर से प्रॉब्लम होगी। तो शायद ये आपको 180 से लेकर 200 के बीच में ये ट्रेड करते हुए आपको यस बैंक अगले कुछ महीनों में दिख सकता है, या हो सकता है मार्केट अगर इसको पॉजिटिव ले कि सारी प्रोविजनिंग हो चुकी है तो शायद मार्केट जहां पे ओपन हो वहीं से शायद एक लो बनाए और वहीं से हाई बना ले कल के लिए। कल के लिए हमें इसको ट्रेड करने से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, यानी सुबह की 5 मिनट की कैंडल को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 5 मिनट की कैंडल क्या बनती है। देखिए मेरे हिसाब से अगर सुबह मार्केट ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है और ग्रीन के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करे तो आप एक अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि वो पहले 5 मिनट कैंडल 10 रुपए या 12 रुपए की बन जाए तो स्टॉप लॉस आप लो का तो लगा नहीं सकते हैं। फिर उस 5 मिनट में एक जो स्विंग लो बना होगा आप उसका स्टॉप लॉस लगाइए और 5 मिनट के हाई को ब्रेक करेगा तो उसको आप बाइंग कर सकते हैं। शायद इतने डाउनफॉल के बाद में शायद सेल के लिए आपको अपॉर्चुनिटी सेल के लिए भी रहेगी, लेकिन वही है कि पहले 5 मिनट की कैंडल फिर रेड बननी चाहिए। ध्यान रखिए पहले 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बनेगी और लो को ब्रेक करे तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो उसको सेल कर सकते हैं। पहले 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है और पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम उसको बाइंग करेंगे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगा के। नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे उसका स्टॉप लॉस आप लोग को भेज दूंगा, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहां से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज रात 9:30 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा, तो जो भी सज्जन कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 9:30 बजे यूट्यूब पे आइएगा। उसका टॉपिक मैं टेलीग्राम यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगा कि उसका टॉपिक क्या रहेगा, आज हम किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी यस बैंक पे वीडियो। देखिए एक बैंक पे एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे 200 जो डीएमए है यहाँ ये देखिए जो 220 और 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे नीचे मार्केट क्लोज यस बैंक ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखिए सिंपल मूविंग एवरेज 200, यहाँ पे देखिए 200 के नीचे चल रहा है, 100 से ऊपर चल रहा है, 200 से नीचे है, 50 और 20 से नीचे है। तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो सपोर्ट का काम करेगा वो 100 का डीएमए है जो कि ऑलरेडी इसके पास में 100 के आसपास में मिले 210 के आसपास में मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि स्टॉक शायद ओपन 220 से लेकर 210 के बीच में स्टॉक शायद ओपन होगा कल। तो दोस्तों ये थी हमारी यस बैंक पर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।